सो हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ चाय पे चर्चा। चाय बनाते बनाते आप लोगों से एक वीडियो बनाने का मन कर गया, और जैसा कि आज ट्यूसडे है तो आप लोगों को वीडियो तो मिलनी ही चाहिए। सो आज हम बात करने वाले हैं ओवर पॉजिटिव के बारे में, मतलब ओवर पॉजिटिव क्या होता है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो वर्ड है ओवर, अब देखिए एक होती है एक्टिंग, एक होती है ओवर एक्टिंग, एक होता है रिएक्शन, एक होता है ओवर रिएक्शन देना। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ओवर जो है हमेशा खराब ही होता है। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव की, और एक होता है ओवर पॉजिटिव की। अब देखिए जैसे कि आपका कोई पार्टनर है, आप उसके लिए पॉजिटिव हैं, मतलब कि जैसे आप उससे पूछते हैं कि कहाँ पहुँचे, क्या किया, कैसे हुआ, पहुँचे कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, मीन्स ये सब ठीक है। और दूसरी तरफ होता है ओवर पॉजिटिव। अब जैसे अपने पार्टनर से आप पूछते हैं कि वहाँ क्यों गए, क्यों उतना टाइम लगा, ऐसा क्यों कर रहे हो, जब ये वर्ड क्यों आ गया, मतलब वो हो गया ओवर पॉजिटिव होना, मतलब पॉजिटिव होना लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना। अब देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, मतलब इससे क्या होगा ना कि आपका जो पार्टनर है वो सोचेगा यार, हमेशा उसके मन में टेंशन रहेगी कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो जो मेरा पार्टनर है कहीं मुझसे ये ना पूछ ले, मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्या पता वो उसको ऐसा क्या फील होगा, क्या क्यों ऐसा लग रहा है, मतलब उसके मन में एक टेंशन यही रहेगी कि यार मुझसे वो क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ये सब चिंताएँ होंगी। अब बताइए ऐसे पार्टनर होने का क्या फ़ायदा, जब आपका पार्टनर जो है इस आपसे ही परेशान हो रहा है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ ये मैसेज है कि आप पॉजिटिव तो होइए, मतलब ख्याल रखिए, ये नहीं मैं बोल रहा कि ख्याल मत रखिए, ख्याल रखिए, केयर कीजिए, जितना पॉसिबल हो उतना ध्यान रखिए, लेकिन ये नहीं घुसिए मत, ये नहीं कि क्यों कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नो। अगर आप किसी की भी प्राइवेसी हैक करते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है कि क्योंकि हर किसी का अपना एक प्राइवेट स्पेस होता है, वो सबको चाहिए। सो इसीलिए आप भी अपने पार्टनर को एक स्पेस दीजिए, अगर आपको अगर उसको शेयर करना होगा तो खुद आपसे शेयर करेगा, और एक लिमिट तक आप उसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये नहीं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसा करने कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ मैसेज मिला हो अच्छा तो बताइएगा, और आप लोगों का इसके बारे में क्या रिएक्शन है, कि आप लोग ओवर पॉजिटिव को कैसा समझते हैं वो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे ख्याल से एक लिमिट तक पॉजिटिव होना ही ठीक है। तो इसलिए मैंने अपनी राय दी है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें और बताएं कि आपका क्या सोचना है, क्या मैं गलत हूँ या फिर मैं सही हूँ। तो आज की वीडियो जो हमारी चाय पे चर्चा की वीडियो बन गई है, एक तरह से चाय पीते पीते वीडियो बनाई है, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और छोटी वीडियो आई नो बट जो कॉन्टेंट है वो मे बी आपको अच्छा लगा होगा, और टॉपिक है कोशिश करिए कि सबसे अलग बनाने का, तो इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो मिल गई है। और दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आने वाली है होली स्पेशल वीडियो, एंड काफ़ी दिनों के बाद मतलब इस तरह का हमने स्केच शूट किया है, तो आप लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ज़रूर देखें, और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को वीडियोज़ आती रहती हैं जो कि आपको कुछ मैसेज देती हैं, आपको बूस्ट करती हैं, मोटिवेशन वीडियो होती है ज़्यादातर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, जल्दी ही हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, वैसे अभी बहुत कम है लेकिन जल्दी हो जाएंगे। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सो हंसते रहिए, हंसाते रहिए और देखते रहिए मैं इनके शो फिल्म्स। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।